कि मालिक मालिक इधर आइए, ये देखिए ये पेंट एकदम सूख गया है, सेकंड कोट कर सकते हैं। आप लोग भी सोचेंगे कि हाँ भाई हाथों में नहीं लग रहा है, पेंट तो सूख गया है। गर्मियों के सीजन में एक घंटे के अंदर में पेंट पूरा सूख जाता है, एक घंटा क्या फ्रेंड्स पेंटर जब। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों ये है बिरला ओपस का स्टाइल पावर ब्राइट, जो कि एक एक्सटीरियर पेंट है जिसे हम घर के बाहर के दीवालों पे यूज करते हैं। इस पेंट को सबसे पहले मैंने अपने घर में खुद यूज किया, इस पेंट का मैंने क्वालिटी चेक किया, सारा कुछ चेक करने के बाद में ये एक ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। किस रेंज का ये पेंट है, इसका प्राइस कितना है, वाटर डाइल्यूशन रेशियो कितना है, इसका फिनिश कैसा मिलेगा आपको, नॉर्मल सरफेस पे अगर इस पेंट को आप लगाएंगे तो कैसा फिनिश मिलेगा, पुट्टी वाले सरफेस पे आपको कैसा फिनिश मिलेगा, कौन कौन सी ये पैक साइज में अवेलेबल है मार्केट में। जैसा कि अभी बिरला ओपस का आप लोग सुन रहे होंगे, मार्केट में आप लोग ऐड देखते होंगे टीवी पे या सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे कि बिरला ओपस जो कंपनी है अपने कस्टमर के लिए फ्री पेंट भी लेके आई है। तो 20 लीटर का अगर आप ये खरीदेंगे तो आपको उस पर कितना लीटर फ्री मिलेगा, 10 लीटर खरीदेंगे तो आपको कितना लीटर फ्री मिलेगा, 4 लीटर अगर खरीदेंगे तो 4 लीटर पे कितना लीटर फ्री मिलेगा। साथ ही दोस्तों ये पेंट फर्स्ट कोट करने के बाद में सेकंड कोट जो है हमें कब करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जो है यहीं पे गलती करते हैं। ये सारा कुछ जो है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। साथ ही दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा हार्डवेयर पेंट और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ आप लोग के साथ में शेयर करते रहता हूँ। मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, सभी का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अब बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये जो हमारा बिरला ओपस का स्टाइल पावर ब्राइट जो पेंट है, बहुत सारे लोग इसके कैटेगरी को नहीं समझ पा रहे होंगे। आप लोग सिंपल भाषा में समझिए फ्रेंड्स, एशियन पेंट का जो हमारा एस आता है इसको तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही पुराना पेंट आज तक मार्केट में बिक रहा है और चले आ रहा है कंपनी का, ये एशियन पेंट का एस है। तो ये जो एस है फ्रेंड्स सेम आपका ये बिरला ओपस का स्टाइल पावर ब्राइट है, यानी कि दोनों अगर तराजू के पलड़े पे अगर हम रखते हैं तो दोनों बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स क्वालिटी वाइज में ये आपका 19 रह जाता है और ये आपका थोड़ा सा आगे निकल जाता है, यानी कि ये आपका 19 और ये 20। सिंपल जो है आपको बस ये समझिए कि ये जो एस आता है सेम आपका बिरला ओपस में स्टाइल पावर ब्राइट के नाम से पेंट आता है। इसको हम लोग रखते हैं साइड में, इसके क्वालिटी जो है अब पूरा डिटेल्स हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स जो है जानने से पहले मैं आप लोग को एक वीडियो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स एक्चुअली हुआ क्या, इस मशीन से जो है मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि इस पेंट को सबसे पहले मैं अपने घर में यूज़ किया, फिर जो है मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग करते क्या है कि इधर उधर से देख लेते हैं रिव्यू, इधर उधर से किसी का वीडियो देख लेते हैं, लिख लेते हैं कॉपी पेस्ट मार के और वीडियो बना देते हैं, लेकिन ऐसा अपने यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो भी रिव्यू अगर लेके आता हूँ किसी भी पेंट के बारे में बताता हूँ तो उसको सबसे पहले मैं खुद यूज़ करता हूँ घर पे। कहीं ना कहीं जो है मौका मिल ही जाता है, इतना लंबा चौड़ा जो है काम है, बहुत सारा कुछ है, तो पेंट को कहीं ना कहीं यूज़ करने का मौका मिल ही जाता है, उसके बाद में जो है हम लोग वीडियो लेके आते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, ये जो मशीन है इस मशीन से मैंने कलर तैयार किया, जो मेरा मन पसंदीदा कलर था वो मैंने कलर तैयार किया। इस कलर को जो है मैं आप लोग को आगे वीडियो में दिखाऊंगा, जो कलर मैंने तैयार किया उसको मैंने अपने घर की सीढ़ियों पर लगवाया, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डार्क कलर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे जो है हमें लाइट कलर करना था, ताकि जो है एक बल्ब भी अगर जले तो रोशनी जो है भरपूर रहे। एक्चुअली हुआ क्या, जिस दिन हमने कलर बनाया फ्रेंड्स उस दिन जो है लाइट कटी हुई थी काफ़ी देर से, इसमें यूपीएस लगा हुआ है और यूपीएस की मदद से हमने कलर को टिंट किया, लेकिन ये जो हमारा गैरोसेकर मशीन है जिसमें कलर को ये बाल्टी को ऐसे ऐसे जो मिक घूमता रहता है इसमें, ये हमारा नहीं चल पाया, इन्वर्टर भी जो है पूरा डाउन हो चुका था। यहाँ पे हुआ क्या कि पेंटर ने अपने हाथों से कुछ इस तरीके से पेंट को मिक्स किया। अब यहाँ पे आप लोग क्लिप देखिए पहले।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो हमारा पेंट है वो कलर तैयार हुआ। अब यहाँ पे हुआ क्या फ्रेंड्स, वीडियो जैसा कि आप लोग ने देखा कि पेंटर जो है लास्ट में क्या कर रहे थे, हाथ को ऐसे ऐसे पोंछ रहा था। मैंने जो है अपने घर में दो पेंट से पूरा मकान पेंट करवाया, एक अल्टीमा से और जो है एक बिरला ओपस का स्टाइल पावर ब्राइट से। पेंटर जो है दोनों कलर जो है मैंने सेम टाइम पे बनाया। पेंटर जो है वो हाथ से जब उन्होंने मिलाया, जब अल्टीमा को मिलाया, यानी कि जो एशियन पेंट का अल्टीमा पेंट आता है जो कि काफ़ी महंगे दाम में आता है, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अल्टीमा के रेट में ये आपका 2 से 3 बकेट आ जाएगा, ठीक है। तो जब उन्होंने मिलाया, जब वो पाइप पे यानी कि नल के नीचे जब हाथ धोने गए तो बहुत ही आसानी से पेंट हाथ से उतर गया। लेकिन इस पेंट को मिलाने के बाद में वो बहुत देर तक धोते रहे, यहाँ तक कि सर्फ से भी जो है पूरा हाथ उन्होंने धोया, फिर भी जो है उनके हाथ से पेंट नहीं छूटा। और उसके बाद में भी फ्रेंड्स तीन दिन तक जो है फ्रेंड्स उनके हाथ पे वैसा ही सफ़ेदी बरकरार बना ही रहा। इससे जो है आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि पेंट की क्वालिटी क्या होगी। उसके बाद में फ्रेंड्स जब पेंटर पूरे रूम में जब पेंट कर रहे थे, आगे मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा इसका क्वालिटी है, साइज कितना है, प्राइस कितना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ जो चीज़ें हैं मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पेंटर जब इस पेंट को पेंट कर रहे थे, जहाँ पे ये सरफेस पे जिस भी जो हमारा सरफेस होता है, जो हमारा ज़मीन होता है, पेंट करने के दौरान कुछ छींटे जो है नीचे गिर रहे थे। मैंने उनको तुरंत बोला कि भाई इसको जो है अभी तुरंत आप क्लीन कीजिए, नहीं तो जो है ये नहीं मिटेगा। वो तुरंत उतरे नीचे, कपड़ा लेके कपड़ा गीला करके पहले पोछे, नहीं गया पेंट, वैसे ही का वैसे ही चिपका रहा। उसके बाद में मैंने एक पेंट रिमूवर, जो केमिकल होता है हमारे पास में, इतना हार्ड केमिकल है कि जो है वो रिमूवर से भी उन्होंने हटाया, फिर भी जो है कलर नहीं गया, वैसे ही का वैसे ही रह गया। लास्ट में जो है उन्होंने फाइबर ब्लेड जो आता है, यानी कि फाइबर पत्ती आम भाषा में बोला जाता है, जिस ब्लेड से पुट्टी को लगाया जाता है, उससे उन्होंने कुरेद के निकाला। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इसका जो क्वालिटी है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही लाजवाब, यहाँ तक कि इसका एडेसिव जो क्वालिटी है बहुत ही गजब का क्वालिटी है। तो इसमें जो है कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है फ्रेंड्स ये आपको मार्केट में कौन कौन से साइज में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये एक इकोनॉमी रेंज का पेंट है, सस्ता है लेकिन जो है क्वालिटी काफ़ी लाजवाब है। कौन कौन से ये पैक साइज में आपको मिलेगा मार्केट में, ये आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, जैसा कि हर कंपनी में जिस तरीके से मिलता है, सेम आपको बिरला ओपस में भी उसी तरीके से ये आपको मिल जाएगा। इस पे जो है बात आती है कि कंपनी इस पे आपको कितना फ्री देती है। 20 लीटर का अगर बाल्टी आप खरीदेंगे तो ये आपको 1 लीटर का 2 कैन जो है आपको फ्री मिलेगा। 10 लीटर का अगर बाकेट खरीदेंगे तो आपको 1 लीटर फ्री मिलेगा। और 4 लीटर का अगर बाकेट खरीदेंगे, यानी कि 4 लीटर का जो डब्बा आता है, 4 लीटर अगर आप खरीदेंगे तो उस पर भी आपको 1 लीटर ही मिलेगा। ये तो रही बात हमारी भाई फ्री पैक की। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका वाटर डाइल्यूशन रेशियो कितना है। ये चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग लिख लीजिए। अगर इन फ्यूचर आपको अपने घर में पेंट करवाना है या अभी पेंट करवाना है तो आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे पेंटर जो है उनको आइडिया नहीं होता है, वो लोग जो है आंख बंद करके कद्दू में तीर मारते हैं। जहां तीर चला जाए, कद्दू में लग जाए तो ठीक, नहीं लगा तो जो है इधर उधर किसी को भी लग जाए। वही जो चीज़ है वो अपने हिसाब से अपने अंदाज से पानी मिलाते हैं। कंपनी का कहना है यहाँ पे आपको 500 ml से 700 ml इसमें आपको पानी मिलाना है, यानी कि 1 लीटर का जो आपका कैन है इसमें आपको 500 ml से लेके 700 ml तक जो है आपको पानी मिलाना है। 500 ml आपका इतना हो गया, अंदाज़ा लगा लीजिए 0.5 लीटर, और 700 थोड़ा सा उससे ज़्यादा, इसमें जो है आपको 500 ml से 700 ml जो है पानी मिलाना है। बात आती है कि भाई इस पेंट की फिनिश कैसी है। इस पेंट का जो फिनिश है फ्रेंड्स, अगर इसको आप नॉर्मल सरफेस पे करते हैं, यानी कि नॉर्मल सरफेस वह सरफेस होता है जो आपका नया प्लास्टर किया हुआ दीवार है और उस पर आपने सीमेंट पेंट करवाया है, प्राइमर करवाया है, तब जो है आपने पेंट करवाया। बहुत सारे लोग जो है सीमेंट पेंट नहीं करवाते हैं, सीधा जो है प्राइमर करके पेंट कर देते हैं, तो वो उसे हम कहते हैं नॉर्मल सरफेस। पुट्टी का सरफेस जो है वो अलग होता है, जिस पे जो है हम पुट्टी करवाते हैं। नॉर्मल सरफेस पे अगर आप इस पेंट को यूज़ करेंगे तो उसमें जो है आपको इतना शाइनिंग फिनिश नहीं मिलेगा, लेकिन स्मूथ सरफेस आपको मिल जाएगा। शाइनिंग नहीं होगा, हल्का फुल्का शाइनिंग रहेगा, यानी कि कह सकते हैं परसेंटेज में अगर हम बताएं आपको, 100 में से आपको 30 से 35% जो है आपको शाइनिंग मिलेगा। लेकिन अगर आपने पुट्टी वाले सरफेस पे इस पेंट को यूज़ किया है
तो जो है आपको कहीं ना कहीं फ्रेंड्स 70-80% आपको साइनिंग मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि एक लीटर में आपका कितना एरिया कवर करेगा, यानी कि एरिया कवरेज कैपेसिटी इस पेंट का कितना है। इस पेंट का जो एरिया कवरेज कैपेसिटी है, कंपनी का कहना है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, कंपनी का कहना है कि 50 से 60 स्क्वायर फीट जो है ये आपका एरिया कवर करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है फ्रेंड्स, मैंने इस पेंट को खुद जब यूज किया तो जो इसका एरिया कवरेज कैपेसिटी है वो मुझे कंपनी जितना क्लेम करती है उससे ज़्यादा ही देखने को मिला, क्योंकि इस पेंट का जो ग्रेविटी है, आपने वीडियो में देखा होगा जब पेंटर जब ऐसे ऐसे मिला रहा था तो कहीं ना कहीं जो हमारा पेंट है वो एकदम दही जैसे ही एकदम जो है काफ़ी गाढ़ा पेंट है, तो इसमें जो है पानी का खपत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जो हमारा पेंट है वो उसका क्वांटिटी जो है इंक्रीज होता है और कहीं ना कहीं जो हमारा एरिया है वो ज़्यादा कवर करती है। तो इस पेंट का जो ग्रेविटी है काफ़ी हाई ग्रेविटी का पेंट है, थिकनेस इसका ज़्यादा है, इसलिए जो है आपका इसमें पानी भी ज़्यादा लगेगा और कहीं ना कहीं जो है आपका एरिया जो है वो ज़्यादा कवर करेगी। लेकिन कंपनी यहाँ पे कहती है कि 50 से 60 स्क्वायर फीट जो है ये आपका एरिया कवर करती है, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि इस पेंट को फर्स्ट कोट करने के बाद में सेकंड कोट जो है वो हमें कब करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग जब अपना मकान किसी पेंटर को पेंट करने के लिए देते हैं तो अपना जो भी ठीका होता है, कई बार जो है हम लोग ठीका पे दे देते हैं, कई बार जो होता है हम लोग रोज पे पेंट करवाते हैं, यानी कि दिहाड़ी देके पेंट करवाते हैं। ठीका में होता क्या है कि भाई 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो या 50,000 ले लो, हमारा मकान जो है पेंट कर दो। एक ठीका जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बना के दे देते हैं कि इतने रुपए में आपको हमारा मकान पेंट कर देना है। रोज हुआ होता है कि भाई पर डे जो है आप काम करो, हम आपको इतना रुपया दिहाड़ी देंगे, 500 600 जो भी उनका दिहाड़ी हो, वो अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे, अलग अलग जो है जगह पे डिपेंड करता है। होता क्या है कि जब किसी भी पेंटर को ठीका दिया जाता है तो वो करते क्या है भाई, जो हमारे पेंटर है, आप लोग भी यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, जो हमारे कस्टमर है इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। कई बार होता क्या है, जो पेंटर होते हैं वो करते क्या है कि भाई उनको तो ठीका मिल गया, वो क्या करेंगे, आज एक कोट उन्होंने पेंट किया और सेम जो है सेकंड कोट भी सेम डे में मार देते हैं। कभी भी जो है ये गलती नहीं करना है। आप लोग को पेंटर क्या बोलेंगे कि मालिक मालिक इधर आइए, ये देखिए ये पेंट एकदम सूख गया है, सेकंड कोट कर सकते हैं। आप लोग भी सोचेंगे कि हाँ भाई हाथों में नहीं लग रहा है, पेंट तो सूख गया है। गर्मियों के सीजन में एक घंटे के अंदर में पेंट पूरा सूख जाता है। एक घंटा क्या फ्रेंड्स, पेंटर जब ये यहाँ से दीवार जब आपका शुरू करेगा पेंट करने के लिए, यहाँ पे जब वो जैसे करते 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 यहाँ पे पहुँचेंगे तो इधर का पेंट जो है पूरा सूख गया होगा गर्मियों के सीजन में। तो ये जो है गलती आपको कभी भी नहीं करना है। पेंट जो है सेकंड कोट का जो गैप होता है वो आपको एक दिन का पूरा रखना है। कंपनी लिख के देती है कि 6-8 घंटे का ड्यूरेशन, आप खुद जोड़ लीजिए, 8 घंटे का अगर ड्यूरेशन है, सुबह में अगर 9 बजे कोई पेंटर पेंट करना शुरू करता है, 8 घंटा आप कैलकुलेट कर लीजिए, शाम में उसका टाइम खत्म होगा, वो चले जाएगा 4 बजे 5 बजे 6 बजे जो भी है वो चले जाएगा। सेकंड कोट जो है आपको नेक्स्ट डे करना है, क्यों, क्योंकि जो है सूखने के बाद में भी वो आपका दीवार में सेट होता है, उसका जो बाउंडिंग होता है वो दीवार में सेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आप लोग गलती कभी भी ना करें, जो हमारे पेंटर भाई है आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें, सेकंड कोट जो है वो हमेशा नेक्स्ट डे करना है। अब बात आती है, बहुत सारे लोग जो है प्राइस जानने के बारे में काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होंगे, तो यहाँ पे जो है लास्ट में मैं इसका प्राइस भी आप लोग को बता देता हूँ। एक लीटर का जो प्राइस है ये मार्केट में आपको बहुत ही ईजिली 185 रुपये से लेके आपको 200 के बीच में मिल जाएगा। ये आपका एक लीटर का रेट है। बाकी जो आपका 10 लीटर है, 20 लीटर है, जो आपका 4 लीटर है, वो आपका थोड़ा बहुत जो है इससे कम रहता है। यानी कि एक लीटर का जो आप कैलकुलेट करेंगे, 20 लीटर एक गुने आपका 20 जो आप कैलकुलेट करेंगे, तो जो रेट निकल के आएगा उससे आपका 20 लीटर का कम रेट रहेगा। तो ये जो है मैंने आपको एक लीटर का प्राइस बता दिया, 185 से लेके आपका 200 के बीच में रहेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स लास्ट में बात आती है कि इस पेंट को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मेरा क्या सजेशन है, कहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, आप किसी को रेंट पे दिए हुए हैं, तो इस पेंट को जो है इंटीरियर में भी यूज़ कीजिए और एक्सटीरियर में भी यूज़ कीजिए, क्योंकि ये इकोनॉमी रेंज का पेंट है, इसका क्वालिटी काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है। यहाँ तक कि जो है मैंने भी अपने घर में इसको यूज़ किया है, जो कि मैंने रेंट पे दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इस पेंट का जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ है। कंपनी खुद जो है यहाँ पे 3 साल की इस पे आपको वारंटी देती है। बाकी जो है वारंटी क्लेम करने का वो एक अपना उनका अलग प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे जो है वारंटी क्लेम किया जाता है। साथ ही दोस्तों
एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जो है अगर आपको वारंटी क्लेम करना हो तो कंपनी का जो पेंट करने का प्रोसीजर होता है वो पूरा ज़रूर फॉलो कीजिए, तब जो है आपका वारंटी क्लेम होता है। क्योंकि कई लोग सोचते क्या है कि हम जैसे तैसे प्राइमर इस कंपनी का ले लेते हैं, पेंट इस कंपनी का ले लेते हैं, ऐसे करवा लेते हैं वैसे करवा लेते हैं, तो वैसे केस में जो है कंपनी जो है वारंटी क्लेम नहीं करती है। तो ये तो थे फ्रेंड्स कुछ इस पेंट की खासियत। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी पॉइंट अगर रह गया हो या कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना है तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।